बताइए क्या कह रहे हैं भाई साहब। जैसे ये यहाँ पर डिबेट किस बात की हो रही है, निकाय चुनाव में कौन जीतेगा इस बार? चुनाव की विकास की, ये लोकल चुनाव है। हाँ, बिल्कुल, ये शहर का चुनाव है। आप बताइए क्या है, ये लोग तो मुद्दा भटका दे मुद्दा भटका दे रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, गोमती नगर विस्तार से नगर निगम में 88 गांव शामिल किए गए हैं, लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं, इन गांव में एक भी विकास कार्य किसी भी जगह नहीं हुआ। गांव में गंदगी है, बजबजा रही नालियां, बजबजा रही महामारी फैल रही है। वोट देंगे कि नहीं देंगे, किसको देंगे और किस आधार पर देंगे? आपने वोट विकास के आधार पर होगी, धर्म और जात कौन किया होगी। मेरा मुद्दा है विकास, बेरोजगारी, मेरा मुद्दा यही है। क्या कह रहे हैं बताइए, आप बताइए भाई साहब। जो है सुभाषपा के प्रवक्ता, इनसे पूछना चाहते हैं कि इनके नेता एक सांस में 36 जातियों का नाम गिनाते हैं और एक विधायक को एक साल में कम से कम 2 करोड़ रुपए मिलता है, और कहते हैं कि हमारे बच्चों का किसी थाने पे और किसी हमारी जात के बच्चे ने, जात की बात करते हैं, कितनी जात के बच्चों को पिछले 6 सालों में इन्होंने कोचिंग दिलवाई या ऐसा कुछ करवाया जिससे वो रोजगार परक बन सके। जवाब लेते हैं, देखिए सवाल आपसे है, जातियों का नाम बहुत गिनाते हैं उनका राजभरी, 36 जातियों का नाम, काम कितना कर? मैं बता रहा हूँ, जैसे जो सपा सरकार थी, हमको लग रहा है जिस जहाँ से वो बोल रहे हैं मैं जान रहा हूँ, सपा सरकार केवल 12 जातियों को बेनिफिट देती है। और मैं और ये जो है अति पिछड़ों पर, ये केवल जो फॉरवर्ड पिछड़े हैं उन्हीं पर ध्यान देते हैं, और जो अति पिछड़े हैं उनका हक अधिकार का ध्यान नहीं देते हैं। जब तक सत्ता में रहते हैं उसका ध्यान नहीं देते हैं कि उनको भी हक अधिकार चाहिए, उनको भी चाहिए। पहले पहले आनंद जी पहले जवाब दीजिए। देखिए उनका इनका सवाल था कि 88 गांव आपने नगर निगम में ले लिया, काम आपने नहीं किया, नालियां बजबजा। देखिए जो भी नगर निगम में नए गांव शामिल किए गए हैं उनमें विकास कार्य सरकार की प्राथमिकता और हम करेंगे, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा डेटा दे देता हूं। स्वच्छता 2017 सुन लीजिए, स्वच्छता में 2017 में लखनऊ 269वें रैंक पे था, आज 17वें रैंक पे है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में देश में नंबर 1 बना है और 1.5 करोड़ रुपए का पुरस्कार केंद्र सरकार की तरफ से मिला है। पहले लखनऊ ने, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लखनऊ में, पहला उत्तर भारत का नगर निगम है जिसने बॉन्ड जारी किया है, ओडीएफ प्लस हुआ है। इसके अलावा 1500 पार्कों का सुंदरीकरण किया गया है, सड़क के चौराहों को चौड़ा किया जा रहा, अब चौराहा अमा मऊ आप अपने आंख के सामने दे, 33 चौराहों को स्मार्ट चौराहा बनाने का काम चल रहा है इस समय। तो आने वाले अमा मऊ जाके देखिए, कार्य प्रगति पर है, कब तक लंबा, कार्य प्रगति पे है, हो कुछ नहीं रहा है, बस बोर्ड लगा है, प्रगति और दुर्गति में चले गए, काम नहीं, बस कार्य प्रगति पे, सारे नाले भरे। इन्होंने कहा कार्य प्रगति पे, अरे हम तो प्रगति पे है, आप आगति और आगति के बाद दुर्गति में है। सोचिए ये जो बार बार चिल्लाते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, विश्व गुरु कपड़े बदलने से नहीं बनते हैं, काम करने से। हमने काम किया, जिस देश में सुई नहीं बनती थी वहाँ हम सब कुछ बना सकते हैं। ये जो बच्चे खड़े हैं, जो लोग खड़े हैं, पढ़ लिख के बोलने लायक बने, कैसे स्कूल खोले गए थे, कॉलेज खोले गए थे, बेचे कुछ नहीं गए थे, रेल बना के ट्रांसपोर्टेशन का काम किया गया था, बेचा नहीं गया था, हवा सब कुछ बेचने वाला था। निजीकरण आपकी सरकारों ने किया है, निजीकरण, ठेकेदारी कर रहे। चारबाग जाइए, चारबाग में कुलियों से पूछिए, सवा लाख करोड़ बोलने वाले लोग चारबाग में चले मेरे साथ, सब बताएंगे। ये जो बीजेपी कह रही है, अडानी अंबानी की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की परछाई में जो अडानी खड़े हुए हैं, अडानी पे कोई सवाल खड़ा कर दे उसके घर सीबीआई ईडी पहुंच जाती है, लेकिन अडानी आराम से एंजॉय कर रहे हैं। देखिए दो जो सवाल आए थे, लेकिन मैं इतनी देर से मैं ये कहना चाहूंगी, एक मिनट अब आप चुप भी कर लीजिए, कम से कम अपनी गंभीरता बनाए रखिए, आप सीनियर है उम्र का लिहाज। मैं ये कहना चाहूंगी, बड़े भाई है हमारे, लेकिन बहुत बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की बात भी मैं आपको जवाब देती हूं। ये निकाय चुनाव को लेकर डिबेट है, जो दो सवाल पब्लिक से आए थे कि विकास हुआ कि नहीं हुआ, सवाल पे मेरा एग्रीमेंट है और मैं उनका जवाब भी दूंगी। मैं बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने कहा प्रधानमंत्री जी हमारे हैं कि नहीं, ये बताऊं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी, प्रधानमंत्री जी तो सबके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी नहीं मानते कि हम सबके हैं, वो कैसे, क्यों, आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी की जो मीटिंग हुई राष्ट्रीय कमेटी की, उसको किसने करा? प्रधानमंत्री जी ने किया। किस उससे गए थे वो बीजेपी की मीटिंग में? ये निकाय चुनाव प्रधानमंत्री है ना, तो इसमें मैं आपको साफ बता दे रही हूं, वो देश के नहीं, फिर तो वो बीजेपी के प्रधानमंत्री हो गए ना। इतनी सीटों पर लड़ रही हैं आप चुनाव, पूरी सब जगह कहना चाहूंगी।
आप देखिए उत्तर प्रदेश में बिजली की हालत क्या हो गई है। मुख्यमंत्री ने एक भी बिजली का नया प्लांट नहीं लगाया। समाजवादी पार्टी की सरकार में 6 बड़े बड़े बिजली के प्लांट लगाए गए थे, इनकी सरकार में एक भी नहीं लगाया गया, इसलिए लगातार बिजली अब जाने लगी है। आपने दूसरी बात साफ सफाई की, किसी भी शहर में साफ सफाई इनकी व्यवस्था ही नहीं है, स्वच्छ भारत अभियान इनका फेल हो चुका है। तीसरी बात इन्होंने की थी गोमती रिवर फंड, देखिए कितना किस तरह से गोमती में गंदगी है, सफाई कर पाए कि नहीं कर पाए। गड्ढा मुक्त वादा और नारा लेकर के आए थे। आप देखिए गड्ढा युक्त जनपद बरेली के मेयर का देखिए गड्ढा ही गड्ढा बरेली में फैला रखे हैं। गाजियाबाद में बीजेपी जीत कैसे जाती है, पूरा निकाय गाजियाबाद में गड्ढा मुक्त करने वाले मेयर ने 80 करोड़ का घोटाला कर लिया। और तो और इनके इतने घोटालेबाज मेयर है कि जिस जय श्री राम का नारा देते हैं ये लोग, भगवान श्री राम के भी नहीं है ये लोग, बड़े शर्म की बात है। लेकिन आपके नेता तो कह दिए कि आप बताती हूँ, अच्छा ये बताइए एक बात मेरी सुनिए। अयोध्या के मेयर ने किसानों की जमीनें सस्ते में लेकर के किस तरह से, लेकिन सवाल ये है देखिए हाँ बताइए क्या कह रहे हैं बताइए। विधायक जी ने जूते से सड़क खोदा है, विधायक जी कुछ बोले उनसे, बताइए जवाब दीजिए। देखिए जवाब दीजिए, जितनी सड़कें इस समय बन रही हैं उतना आज तक कभी नहीं बनी है। सड़कों का जाल बिछ रहा है गांव से लेके शहर तक। और अब जब ये खोदने की बात कर रहे हैं तो जहां भी किसी भी सरकार में ये सड़क खोदना अगर खराब बन रही है तो उसको खोदना कहीं ऊपर से तो आ रहा है सारे पैसे। और जो पीडब्ल्यूडी विभाग है, सड़क गड़बड़ बन रही है, आप खोद रहे हैं तो पब्लिक आपके साथ है। गड़बड़ बन रही है वही मैं ठीक करा रहा हूं। और सभी विधायकों को जब सरकार की मंशा के अनुसार रोड नहीं बन रही है, उन्होंने विधानसभा में योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था, सभी विधायकों को हिदायत दिया था कि सड़क चेक कीजिए और भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म होना चाहिए। ये उन्होंने आप जब जाएंगे सड़क गड़बड़ बनेगी जनता आपसे जवाब मांगेगी। एक छोटा उदाहरण दे रहा हूं, छोटा चुनाव, दिल्ली से सहारनपुर एक सड़क बननी थी, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में 465 करोड़ रुपए खा गए, कागजों में सड़क बन गई जिसमें कई गिरफ्तारियां हुई, आने वाले समय में हो सकता है इनके कई नेता भी उसमें जेल जाएं। तो ये ऐसे सड़क बनाते थे, इनकी सड़क कागजों में बन जाती थी। आप लोग बताइए गोमती नगर विस्तार भाई एक मिनट, गोमती नगर विस्तार रेलवे क्रॉसिंग से खरगापुर होते हुए एसटीपी मलौर एमटी होते हुए जाते हुए सड़क पे इतना गड्ढे में पानी भर करके गड्ढा मुक्त बताया जा रहा है। इतनी गड्ढों में हम सड़क में पानी में, अभी कल आप चलिए अभी आपको दिखाएं ये लोकल चुनाव, नगर निकाय का चुनाव, विकास और हमारे लोकल जो मुद्दे हैं, हमारे शहर के जो मुद्दे हैं उस पे होना चाहिए। क्या कह रहे हैं बताओ, ये खड़े हैं, ये 24 की जंग से पहले यूपी का जनादेश है, मुद्दे को भटका दिए आप, देश और पूरे जगह पे जा रहे हैं, प्रधानमंत्री पे पहुंच गए, तो आप बस अग्निवीर पे जवाब दे दीजिए। बताइए भैया अग्निवीर पे जवाब दीजिए। देखिए एक चीज, मैं समाजवादी पार्टी के समय कामकाज की जिनकी बात हो रही थी, मैं इनको बता दूं कैसे काम करता है, वो भी उसका भी जवाब दूंगा। सुन लीजिए बनारस से रामनगर सुन लीजिए अग्निवीर पे भी जवाब दूंगा। बनारस से रामनगर एक पुल बन रहा था जिसको मुलायम सिंह यादव जी ने पास किया, मुलायम सिंह जी की सरकार चली गई, बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई वो चली गई, अग्निवीर सरकार में। और जहां तक बात रही अग्निवीर की, तो सरकार ने अग्निवीर योजना लॉन्च की है और उसके सुन लीजिए, इसके तहत सभी युवाओं को रोजगार मिलेगा और 4 साल बाद जब वो युवा निकलेंगे तो 80% तक उन युवाओं को पैरामिलिट्री से लेकर डिफेंस की जितनी इकाइयां हैं उनको स्थायी नौकरी देने का काम वहां होगा। इसलिए जनता को गुमराह करने की जरूरत नहीं है। अब प्लीज सुनिए एक मिनट, ये लोग खड़े हैं बच्चे, सबको चाहिए रोजगार। पिछले 3 सालों से सीटेट टेट के कोई वैकेंसी नहीं आई है, एक वैकेंसी आई थी सिर्फ केबी वालियों भी सेंट्रल की, यूपी में किसी की वैकेंसी नहीं, सब बच्चे बीएड बीटीसी ड्रिल करके पढ़े हुए, कोई रोजगार नहीं है। अग्निवीर करने वालों को भी जो पहले थे वो भी सीट नहीं मिल रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अग्निवीर की जो हालत है वो तो परिषद दाई रहे छात्र। दूसरी बात भी मैं कहना चाहूंगी, ऐसी कोई भर्ती नहीं हुई इनकी सरकार में जिसका पर्चा ना बेहाल उठ हुआ हो, और ऐसी कोई भर्ती नहीं हुई जिसका पर्चा बिका ना हो। सारी नौकरियां ये लोग बेच के इनके नेता विधायक खा गए। 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 ओबीसी एससी का आरक्षण ये निकल गए, और ये दलित पिछड़े विरोधी लोग आज यहाँ खड़े होकर के नौकरी और रोजगार की बात कर रहे हैं। मैं